डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे, इस चैनल पर बियर्ड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने, आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो। इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के और ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है जेंडर स्कीमा थ्योरी। ये जो है पेपर 5 के अंतर्गत जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत आता है। आपके सिलेबस में 4 थ्योरी दिया गया है, जिसमें कि पहला जो था सिंबॉलिक इंट्रैक्शन थ्योरी था, जो कि मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरा जो है जेंडर स्कीमा थ्योरी, इसके बाद 2 और थ्योरी है उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आज का जो है ये जेंडर स्कीमा थ्योरी, इसको पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है एक संज्ञात्मक सिद्धांत है, जिसे 1981 में मनोवैज्ञानिक सेंड्रा बैम द्वारा तैयार किया गया था। इसमें कहा गया है कि लिंग भूमिका उस संस्कृति से उत्पन्न होती है जिसमें एक व्यक्ति को जन्मजात होने के बजाय लाया जाता है। यह सिद्धांत यह प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कि कैसे व्यक्ति लिंग बनते हैं और कैसे लिंग विशिष्ट विशेषताओं को बनाए रखा जाता है और आगे समाज के अन्य सदस्यों को पारित किया जाता है। उनका कहना है कि बच्चों को उनके पालन पोषण के माहौल में लैंगिक भूमिकाओं के बारे में पता चलता है। सिद्धांत के अनुसार बच्चों को कार्य करने के लिए यह दृष्टिकोण है, कार्य करने के लिए एक दृष्टिकोण है जो लिंग रूढ़िवाद के साथ संलेखित होता है। यह प्रक्रिया सामाजिक विकास के चरणों में बहुत पहले शुरू हो गया था। आप लोग जैसा कि समझे होंगे कि ये जो है एक तरह से संज्ञात्मक सिद्धांत है। किसका? तो सेंड्रा बैम, 1981 में जो है मनोवैज्ञानिक सेंड्रा बैम द्वारा इस सिद्धांत का तैयार किया गया, इस सिद्धांत को, जिसमें कहा गया कि लिंग भूमिका जो है उस संस्कृति से उत्पन्न होती है जिसमें एक व्यक्ति को जन्मजात होने के बजाय लाया जाता है। यह सिद्धांत जो है व्यक्ति किस तरह से लिंग बनते हैं, किस तरह लिंग की भूमिका होती है, उनके बारे में सिद्धांत दिया गया है। तो इसके अगर विषय सूची के बारे में देखेंगे तो इसके विषय सूची में पहला जो है लिंग संबंधी रूढ़ियों जो है उनके बारे में बताता है, लिंग संबंधी रूढ़ी। दूसरा है कुछ प्रायोगिक साक्ष्य के आधार पर। तीसरा, संस्कृति की क्या भूमिका है उनके बारे में। फोर्थ में सिद्धांत का नतीजा और फिफ्थ में है सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन कैसे लाया जाए। उन इन 5 सिद्धांत विषय सूची के अनुसार इन सभी पॉइंट को हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है वो लिंग संबंधी रूढ़ियों है। चूँकि जेंडर स्कीमा सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो सूचना के प्रसंस्करण से संबंधित है, यह बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि हमारे समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता जो है वह व्यापक रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से क्यों अंतर्निहित है। एक मजबूत लिंग स्कीमा वाला व्यक्ति एक फिल्टर के माध्यम से पर्यावरण को उत्तेजनाओं को संसाधित करता है जो कि लिंग स्कीमा से ही प्रेरित होता है। यह रूढ़िबद्ध जानकारी को समझने की एक आसान क्षमता का परिणाम देता है, इसलिए लिंग संबंधी रूढ़िवादिता को और बढ़ाता है। एक बच्चे के संज्ञात्मक और सामाजिक विकास के दौरान बैम का कहना है कि लिंग स्कीमा जो है बच्चों के व्यवहार के नियमन के लिए जिम्मेदार है, जो कि मर्दानगी या स्त्रीत्व का संस्कृति परिभाषा से मेल खाते हैं। इसके अलावा उनका तर्क है कि विषम लैंगिकता उप स्कीमा का एक और अंतर्निहित सिद्धांत है जिसने लिंग स्कीमा के गठन को प्रोत्साहित किया है। इस तरह से पहला पॉइंट आप अच्छे से एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं। दूसरा जो है कुछ प्रायोगिक साक्ष्य के अनुसार जो इस चीज़ को समझा जा सकता है, तो जेंडर स्कीमा थ्योरी के अनुसार व्यक्ति विशेष रूप से अपनी स्वयं की लिंग पहचान से संबंधित जानकारी के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब लोग अपने व्यवहार और लिंग विशिष्ट मानकों के बीच उच्च क्षमता को पहचानते हैं तो वो सकारात्मक भावनाओं से गुजरते हैं और आत्मसम्मान बढ़ाते हैं। दूसरी ओर लिंग पहचान के विपरीत व्यवहार जो है नकारात्मक भावनाओं को जन्म देता है।
वो निगेटिव थिंकिंग को जन्म देता है और आत्मसम्मान को जो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट उसको भी कम करता है। अगर उदाहरण के स्वरूप में इसको देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक वेंडी वुड जो 1997 द्वारा किए गए एक अध्ययन में एक मजबूत मर्दाना पहचान वाले पुरुषों को उन घटनाओं को याद करते हुए खुशी हुई जिनमें उन्होंने प्रमुख और मुखर मतलब कथित मर्दाना लक्षण जो अभिनय किया था। इसके विपरीत एक मजबूत स्त्री पहचान वाली महिलाओं ने इसके बारे में सामग्री महसूस की और उन घटनाओं को याद करने के बाद जिनमें उन्होंने पोषण का काम किया, कथित स्त्री का गुण जो है उसमें एक तरह से पोषण का काम किया। दिलचस्प बात यह है कि जोसेफ मार्कस और तफरोदी 1992 के द्वारा किए गए एक अन्य लक्षणों में अध्ययन में यह पता चला कि भावना जो है आत्मनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी का व्यवहार या भविष्य के व्यवहार में हेरफेर करने के लिए एक संकेतों के रूप में कार्य करता है। जब किसी का व्यवहार कथित मानकों के साथ असंगत होता है तो यह बुरी भावनाओं को प्रेरित करता है जो बदले में व्यवहार के मानकों के साथ और अधिक संलेखित करने के लिए बदलने की आवश्यकता को सामने लाता है। इस प्रकार भावनाएं जो है एक संकेत के रूप में कार्य करते हैं कि क्या भविष्य में किसी को अपने व्यवहार के बदले की आवश्यकता होती है। किए गए अध्ययन में पुरुष और महिलाओं को बताया गया कि वे एक प्रारंभिक कार्य जो कि लिंग विशिष्ट में विफल रहे हैं। इसमें जितना भी प्रयोग किया गया उसमें बताया गया पुरुष और महिलाओं को कि प्रारंभिक जो कार्य है वो करने में वे लोग विफल रहे हैं। उच्च आत्मसम्मान हाई सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पुरुषों ने उन कार्यों में अधिक सफलता का प्रदर्शन किया जिन्हें मर्दाना माना जाता था, जैसे कि नेतृत्व की भूमिका या प्रतिस्पर्धी कार्य। इसी तरह के उच्च आत्मसम्मान वाली महिलाएं ने भविष्य के कार्यों को अधिक सफलता का प्रदर्शन किया जो कि प्रकृति में स्ट्रॉन थे, जैसे कि पारस्परिक संबंध शामिल थे। इस प्रकार भावनाओं द्वारा निर्देशित अपने बाद के व्यवहारों को संलेखित करते हैं। आप लोगों ने देखा कि अगर प्रयोग करके साक्ष्य के आधार पर देखा गया है तो इसमें एक तरह से जिस व्यक्ति में उच्च आत्मसम्मान हाई सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वो किसी भी काम करने और अपने भूमिका को निभाने में अधिक स्पष्ट या फिर अच्छे से कार्य किए हैं। उसी तरह महिलाएं में भी उच्च सम्मान वाली जो महिलाएं हैं भविष्य के कार्य में अधिक सफलता का प्रदर्शन की है। तो इस तरह से अपने आप में जो है सेल्फ रिस्पेक्ट व्यक्तियों को बढ़ा के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेल्फ डाउन करके रखे हैं और किसी भी चीज़ को करने में असफलता हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह से हर व्यक्ति को, हर बच्चे को या फिर हर महिलाओं को अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट को उच्च करके रखना चाहिए, हाई करके रखना चाहिए। हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे संस्कृति की क्या भूमिका है उनके बारे में। संस्कृति न केवल किसी के व्यवहार और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है बल्कि व्यक्ति की विचार प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। अगर इसको एक उदाहरण के लिए समझा जाए तो एक पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में जहाँ लड़कियों केवल देखभाल करने वाली और अन्य घरेलू भूमिकाओं में महिलाओं को देखकर बड़ी होती है, यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि महिलाएं केवल शादी करने, गृहिणी होने और बच्चों को परवरिश करने के लिए उपयुक्त है। दूसरी ओर लड़के इस धारण में रह सकते हैं कि पुरुष काम और उद्योग से संबंधित है। अगर तीसरा पॉइंट में समझते हैं तो इस पॉइंट में लिंक स्कीमा थ्योरी, जेंडर स्कीमा थ्योरी के अंतर्गत जो है उदाहरण के लिए समाज में जो आप लोग देखते होंगे कि महिलाएं का जो एक काम है वो सिर्फ घरेलू कार्य करते हैं, बच्चों का परवरिश करते हैं। तो इस तरह से आने वाला जो वंश है मतलब लड़की जो जन्म होती है तो वो इस तरह की चीज़ को देखकर वो भी उनको भी लगता है कि ये जो कार्य है सिर्फ महिला का जो कार्य है वो बच्चों की परवरिश करना, गृहिणी शादी करके गृहिणी कार्य करना, घर का जो कार्य होता है वो करना, ये उपयुक्त है उन लड़कियों के लिए। ऐसा जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन ये जेंडर स्कीमा थ्योरी में इस तरह से ही लड़कियों के साथ व्यवहार किया गया है। जबकि दूसरी और लड़कों का जो काम है वो सिर्फ काम उद्योग में से संबंधित है, वो बाहर का काम कर सकते हैं, उद्योग में भाग ले सकते हैं, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि लड़कों को सिर्फ काम ही करना चाहिए, लड़का घरेलू कार्य भी कर सकते हैं और लड़की बाहर की भी करे, लेकिन लिंग स्कीमा थ्योरी में इस तरह से दिया गया है प्रयोग करके। तो आपको इस सब पॉइंट को इस उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे लैंगिक मानदंडों की पुलिसिंग
स्कूलों में ही शुरू हो जाती है। गुलाबी रंग पसंद करने के लिए लड़कों को तंग किया जाता है और लड़कियों को बहुत अधिक चेहरे और शरीर के बाल होने के शर्मिंदा किया जाता है। ऐसा बिल्कुल देखा जाता है, अगर लड़कियों को शरीर में बाल ज़्यादा हो जाते हैं तो समाज में उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, उनको इस नज़र से देखा जाता है कि इनके अंदर जो है लड़कों का गुण है। तो ये सब गलत है, ये मानदंड जो है एक तरह से स्कूल से ही स्टार्ट हो जाता है कि लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद आता है तो लड़कों को गुलाबी रंग पसंद नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, सबके इंटरेस्ट की बात है, लेकिन ये जेंडर स्कीमा थ्योरी में इस तरह से बताया गया है प्रयोग करके। तो आप इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, एक आश्चर्यजनक लेकिन आश्चर्यजनक लिंग योजना जो हम देखते हैं वह एक पूर्वाग्रह है कि कुछ व्यवसाय पुरुषों के लिए और अन्य महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। उदाहरण के लिए STEM और व्यवसाय से संबंधित पेशे पुरुष प्रधान है, जबकि शिक्षण और चिकित्सा और यहाँ तक कि कला से संबंधित धाराओं में महिला प्रवृत्ति है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जितने भी काम हैं जो कि उद्योग क्षेत्र में होते हैं या फिर आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये सब चीज़ों में जो है सिर्फ पुरुषों का ही प्रभुत्व है, जबकि महिला जो है वो शिक्षण कर सकती है, चिकित्सा कर सकती है, इससे महिलाओं में महिलाएं ही सिर्फ काम कर सकती है, जो कि ये सब गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि सरकार जो है सभी क्षेत्रों में लड़कियों की बराबरी का हिस्सा दिया जा रहा है, लड़कियों का अहम हिस्सा है और लड़की हर क्षेत्र में अच्छा योगदान भी प्रस्तुत कर रही है, लेकिन जेंडर स्कीमा थ्योरी में इस तरह से बातों को रखा गया है। तो इस तरह से आप लोग भी पॉइंट लिख के प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, पूर्व कल्पित अनुकूल पेशे में यह वर्गीकरण एक विचार को पुष्ट करते हैं कि महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में बेहतर भूमिका निभाने और देखभाल करने के साथ साथ भावनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है। इसके विपरीत पुरुषों को विश्लेषणात्मक और प्रशासनिक या नेतृत्व की भूमिका में बेहतर माना जाता है। मीडिया के साथ साथ भाषा और साहित्य लेकिन पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए बैटमैन बनाम सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस फिल्म में बैटमैन कहता है, आप बहादुर नहीं है, पुरुष बहादुर है। यह बल देता है कि बहादुरी और साहस विशेष रूप से मर्दाना लक्षण है। देख सकते हैं इसमें किस तरह से, मतलब कि आप जेंडर स्कीमा थ्योरी को अगर अपने शब्दों में लिखना चाहेंगे तो आप जो पहले कल्चर जो था हमारे समाज में, किस तरह से कल्चर डेवलप्ड हुआ था, उसके अनुसार आप अच्छे से लिख सकते हैं कि पुरुष का प्रभुत्व कहाँ कहाँ था जबकि महिला का प्रभुत्व कितना कम था। उस अनुसार आप लिखते हैं तो जेंडर स्कीमा थ्योरी अच्छे से लिखा जा सकता है, लेकिन आज के समाज में ये सब चीज़ चेंज हो चुकी है। महिलाओं को सब जगह स्थान दिया जा रहा है, महिलाओं के अंदर भी बहुत सारे गुण उपस्थित है और हर क्षेत्र में उनको बराबरी का हिस्सा दिया जा रहा है। तो ये जो जितने भी जेंडर स्कीमा थ्योरी में बातें लिखी गई है वो पुराने समाज में, मतलब एक तरह से पुरानी सभ्यता में जो कल्चर में हमारे समाज में कल्चर में छिपा हुआ था, उस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। तो आप इस सब पॉइंट को अच्छे से पढ़ के भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसके अलावा उदाहरण के लिए लिंग शीर्षकों की नियुक्ति हॉल में पुरुष महिलाएं और महिलाएं थे, अवचेतन रूप से महिलाओं को नियमन द्वारा एक माध्यमिक स्थिति रखता है, लेकिन सिक्कों की तरह हर चीज के दो पहलू होते हैं। जेंडर कंडीशनिंग न केवल पारंपरिक समाजों में बल्कि प्रगतिशील समाज में भी प्रचलित है। एक महिला जो गृहिणी की तरह घरेलू भूमिका में रहना पसंद करती है वह सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी के रूप में सामने आ सकती है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जिस प्रगतिशील और उदार समाज में रहने पर हमें गर्व है वह हमारे दिमाग में आधुनिक संस्कृति को लागू करने में पीछे नहीं है। विचार के इस तरह के पैटर्न के सभी लिंगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला या अन्य गैर द्विआधारी लिंग। ये सांस्कृतिक स्थितियों, व्यक्तियों और सीमित संज्ञात्मक और सामाजिक विकास से को प्रतिबिंबित करती है। वे बच्चों की विशेषताओं को सामाजिक रूप से निर्धारित रिंग मानदंडों को सीमित करने की ओर ले जाते हैं। अगर फोर्थ नंबर सिद्धांत देखेंगे तो वो सिद्धांत का नतीजा है कि इस सिद्धांत का क्या नतीजा, इसका क्या प्रतिफल निकलता है उसके बारे में दिया गया। सेंड्रा बैम का लिंग स्कीमा सिद्धांत अल्पकालिक था और लिंग विकास के मनोविज्ञान पर अपनी पकड़ खोने के लिए जल्दी था। यह सिद्धांत 1970 से 1980 के दशक की अवधि के दौरान संज्ञात्मक क्रांति से प्रेरित था। जैसे जैसे
अधिक से अधिक महिलाएं अकादमिक क्षेत्रों में प्रवेश कर रही थी, लिंग का मनोविज्ञान विशेष रूप से लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे व्यापक समाजशास्त्रीय सिद्धांत जेंडर मनोविज्ञान के अध्ययन में मुख्य धारा बनने लगे, जेंडर स्कीमा सिद्धांत का प्रभाव अंततः समाप्त हो गया। बिल्कुल सही बात है, आज के समाज में ये जेंडर स्कीमा सिद्धांत बिल्कुल तरह से असफल है, विफल है, क्योंकि जितनी जेंडर स्कीमा थ्योरी में बताया गया पुरुषों का प्रभुत्व है और महिलाओं के प्रभुत्व की बारे में, वो सब चीज़ आज के समाज में, आज के जमाने में खत्म हो चुकी है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जेंडर स्कीमा सिद्धांत का प्रभाव अंततः समाप्त हो गया है। हालांकि यह सिद्धांत बताता है कि जेंडर रूढ़िवादिता को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित किया जाता है और समाज में उनका अस्तित्व सुनिश्चित किया जाता है। व्यायाम सेक्स रोल इन्वेंट्री जो है, इनके बारे में देख लेते हैं। जेंडर स्कीमा सिद्धांत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला योगदान व्यायाम सेक्स रोल इन्वेंट्री रहा है। व्यायाम सेक्स रोल इन्वेंट्री के अनुसार लोग चार अलग अलग लिंग श्रेणियों में से एक होते हैं। लिंग टाइप किए गए व्यक्ति वे होते हैं जो अपनी लिंग पहचान के साथ निकटता से संबंधित होते हैं और उस लिंग योजना के दायरे में जानकारी संसाधित करते हैं। क्रॉस टाइप किए गए व्यक्ति विपरीत लिंग के स्कीमा के दायरे में जानकारी संसाधित कर, क्रॉस टाइप जो लिंग होते हैं वो लिंग के स्कीमा के दायरे में, विपरीत लिंग के स्कीमा के दायरे में जानकारी संसाधित करते हैं। उभयलिंगी व्यक्ति मर्दाना और स्त्री विचार दोनों को प्रकट करते हैं। उभयलिंगी व्यक्ति जो होते हैं वो मर्दाना और स्त्री विचार प्रक्रिया दोनों को प्रकट करते हैं। आप लोग ये सब जब समझते होंगे कि जिसको आप बोलते हैं कि ये एक तरह से ऐसे महिला या पुरुष जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों का गुण अवस्थित हो, इस तरह से इन सब चीज़ों को आप जान सकते हैं। अविभाजित व्यक्ति जो सेक्स टाइप प्रसंस्करण को लगातार उपयोग नहीं दिखाते, वो अविभाजित व्यक्ति में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे जो कि लास्ट है, वो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन कैसे लाया जाए, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हमारी लेक्चर जो है इसी जगह समाप्त हो जाएगी। सेक्स टाइपिंग का एक संभावित स्रोत वह वातावरण है जिसमें बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। सेंड्रा बेम का सुझाव है कि बच्चों को सेक्स टाइपिंग पर अंकुश लगाने के लिए मीडिया तक पहुंच जो सेक्स टाइपिंग को प्रोत्साहित करती है को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और घर के भीतर माता और पिता के लिए समान भूमिकाएं दी जानी चाहिए। हालांकि ऐसे उपायों की पहुंच सीमित है। जैसे जैसे बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं वह घर की चार दीवारी से अधिक से अधिक बातचीत करते हैं। वे सेक्स टाइपिंग जानकारी के संपर्क में आने के लिए बाध्य हैं, इसलिए इस मुद्दे को समाज के सभी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से संबोधित करना होगा। बच्चों के लिए एक वैकल्पिक योजना शुरू करके इसमें प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं की योजना जो व्यक्तित्व पर आधारित होती है, इसमें उस विशेष समूह से संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के आधार पर किसी समूह के बारे में व्यापक अनुमान लगाने के बजाय व्यक्ति दर व्यक्ति आधार पर जानकारी संसाधित की जाती है। साथ ही बच्चों को किसी भी सेक्सटिक जानकारी का सामना करने पर नैतिक आक्रोश फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इनसे न केवल बच्चों को सेक्स टाइप होने से रोकने में मदद मिलेगी बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है मानसिक रूप से वो सेक्स टाइप बातों को से दूर रखना चाहिए और ऐसा तभी संभव होगा जब आप ये सब चीज़ों को समाजों में अच्छी तरह से लागू करेंगे और समाजों को बता पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि घर में उनको बैठा के समझा दिया जाए तो ऐसा संभव नहीं है। वो इसलिए कि जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वो घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलने के बाद वो हर चीज़ों को, हर समाजों में रहने वाले व्यक्तियों और बच्चों से मिलते हैं, वहाँ से वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है और समाज में इस तरह से व्यक्तित्व और इस तरह से बातों को रखा जाए कि इस सब चीज़ में बच्चों की रुचि ना हो और उनके साथ बच्चों की जागरूक भी हो और इस तरह से सेक्स टाइप होने से रोकने में भी मदद मिलेगी, साथ में समाज में जो है सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। इस तरह से आप लोग जेंडर स्कीमा थ्योरी को समझ सकते हैं और जान सकते हैं किस तरह से बच्चों पर और महिलाओं और पुरुषों के साथ इस तरह से आप लोग बताया ही जा रहा है। ये जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है 70-80 के दशक के समथिंग के समय किया गया एक प्रयोग है। तो उस समय जो था महिलाओं की स्थिति दयनीय ही थे, लेकिन धीरे धीरे जो है महिलाओं की स्थिति अच्छी होती जा रही है और सभी जगह उनको हर क्षेत्र में, हर फील्ड में उनका योगदान अहम होते जा रहा है।
तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये लेक्चर समझ के देख के कैसा हुआ, कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप लोगों की कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो पा रही है या नहीं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।